गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी सेशन। ज्योग्राफी सेशन का पार्ट टू कर रहे हैं, जिसमें पहले हमने किया था कि हिमाचल क्या किसके साथ बाउंड्रीज बनाता है, लद्दाख, किसी ने ये लिखा था कि लद्दाख के साथ भी तो बाउंड्री बनाता है, तो वो लद्दाख जो है वो किसके साथ शेयर कर रहा है, लाहौल स्पीति के साथ, तो ये याद रखना, तिब्बत। तो उस चीज़ पे ना जाकर अभी हम जो है इस सेशन को देखते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लेना। देखिए हमने क्या कहा था, ये है आपका लाहौल स्पीति चाइना, यहाँ पे आपका किन्नौर, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम लद्दाख का पार्ट देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए यहाँ तक हमने क्लियर था। आज हम कर रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। फिजियोग्राफिक डिवीजन्स का मतलब है कि हमारा इंडिया, पहले हम इंडिया को समझते हैं, फिर उसके बाद जो है हम समझेंगे कि आपका, अगर आपको इंडिया क्लियर हो जाता है तो आपको हिमालयस जो हैं वो आपके हिमाचल के भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए फिजियोग्राफिक डिवीजन्स क्या हैं, अगर हम देखें तो ये आपका हिमालय, फिर आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, गंगेटिक प्लेन्स और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, यही है डेजर्ट एरिया। ये पूरा जो है ये फिजियोग्राफिक इंडिया बनाता है। तो हम कहाँ पर रहते हैं, हम इस पार्ट पे रहते हैं, ठीक है। हम किस पार्ट पे रहते हैं, आपके इस पार्ट पे रहते हैं, वेस्टर्न हिमालयस पे, ठीक है। तो वेस्टर्न हिमालयस के अंदर हमारा जो हिमालयस है वो तीन सेक्शंस पे डिवाइड है, ट्रांस हिमालयस, ठीक है। तो ये जो हिमालयस है ये ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड लोअर हिमालयस, इस पे डिपेंड करता है। तो ये जो हिमालयस है ये यहाँ से चल के आपका ये पूरा कवर कर रहा है हिमालयस की बाउंड्री, ठीक है। नीचे मत जाइए, हम नीचे का पार्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हिमालयन माउंटेन्स कर रहे हैं, एंड हिमाचल लाइज इन वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। ट्रांस हिमालयन पार्ट कौन सा होता है, जो हिमालयस से ऊपर का पार्ट है, जिसमें कौन सी रेंज आती है, झांस्कर रेंज, ठीक है, जो तिब्बत और हिमाचल को अलग करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहली चीज़, ये जो हिमालयस हैं, अब बात आती है कि जो हमारे हिमालयस हैं ये बने कैसे हैं। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, अरावलीस, ठीक है। और जो अभी हैं ये हिमालयस जो हैं, दीज आर यंगर माउंटेन्स, ये किससे बनते हैं, फोल्डिंग से। क्या था कि कहते हैं टथाइस जो था, ऐसे करके फोल्ड होते जा रहे थे ये, तो टथाइस से जो है एक माउंटेन का रूप ले लिया गया, दैट इज़ कॉल्ड आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स, इट इज़ द, और ये जो हिमालयस हैं दैट इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ इंडिया। और जो हाईएस्ट रेंज है हिमालयस की वो कौन सी है, आपकी माउंट एवरेस्ट, वो हम करेंगे। तो हिमालयस जो हैं दैट इज़ द एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, इसको तोड़ के जितनी भी हवाएं हैं इससे क्रॉस होती हैं फिर इंडिया में आती हैं। तो ये जो है हमारा एक नेचुरल बैरियर है। सबसे ज़्यादा ठंड कवर कौन करता है, हिमालयस करते हैं। और ये कहाँ से चलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से इस जगह से ये वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, फ्रॉम इंडस, यहाँ से लेकर इंडस से लेकर आपके ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है। तो जो हमारे माउंटेन्स है ये कहाँ से फैले हुए हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ये किस डायरेक्शन में, ये जो आपका माउंटेन्स है इस तरह से ये वेस्ट टू ईस्ट है, यानी वेस्ट से लेकर ईस्ट पार्ट तक है, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू होते हैं, इंडस से शुरू होकर ब्रह्मपुत्रा तक चलते हैं। और कौन सी बाउंड्री, सिर्फ नॉर्दर्न बाउंड्री ये बनाते हैं। हिमालयस कहाँ पे हैं, नॉर्दर्न बाउंड्री में। तो यहाँ तक इसको क्लियर हो गया, फिर से एक बार क्लियर कर रही हूँ आपका, ठीक है। ये आपका पार्ट है, ये आपका नॉर्दर्न हिमालयस है, ये नॉर्दर्न हिमालयस है जो वेस्ट से लेकर ईस्ट पार्ट तक चलते हैं, यानी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इट एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर, कि जो भी चीज़ होगी वो इससे टकराएगी फिर इंडिया में एंटर करेगी, यहाँ से टकराएगी फिर इंडिया में एंटर करेगी, ठीक है। हिमालयन से नदियाँ निकलती हैं तभी वो गंगेटिक प्लेन्स बनाएंगी, फिर ही जाकर आगे जो है आपकी प्रोसेसिंग शुरू होती है, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट अब देखते हैं हम आपका ये आ गया भौतिक विभाग। हिमालय सबसे पहले युवावलित, यानी जैसे ओल्डेस्ट हिमालयस जो हैं आपके अरावलीज हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन्स अरावलीज हैं, जिसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, वैसे ही हिमालयस की जो यंग माउंटेन्स, हिमालयस जो हैं वो टथाइस की फोल्डिंग से बने, तो ये यंगर माउंटेन्स हैं जिसको सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालयस ही है। तो हमारे हिमालयस में ही सबसे ऊंची श्रृंखला रहती है, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट।
तो इसमें कई श्रृंखलाएं आएंगी जो हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अब आपका फिजियोग्राफिक। तो ये जो हिमालयस हैं ये डिवाइड करते हैं तीन रीजन्स पे, आपका हिमालय जो है वो तीन रीजन्स पे डिवाइड करता है, थर्ड रीजन्स पे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं लोअर हिमालयस, लोअर हिल्स या आउटर जोन, उसको हम बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। ये देखिए ये ग्रेटर हिमालयाज है, ये लेसर हिमालयाज है, और ये है आपका शिवालिक ग्रुप। जो शिवालिक ग्रुप है वो यहाँ से चलेगा। तो ये अगर शिवालिक ग्रुप है, देखिए शिवालिक जो है अगर देखा जाए तो ये कहाँ से शुरू होते हैं, ये 900 किलोमीटर की से लेकर इंडिया में 900 से लेकर 1100 मीटर्स, और इसकी जो विड्थ है दैट इज़ इंडिया में 10 से 50 किलोमीटर्स की दूरी पे है, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होंगे, ये जम्मू हिल्स से शुरू होकर बद्रीनाथ तक जाते हैं, तो आप ये मान के चल रहे। तो सबसे पहली चीज़, और अगर हम हिमाचल की बात, क्योंकि हमें हिमाचल की बात करनी है, इंडिया की बात नहीं कर रहे हम, हिमाचल की, तो हिमाचल में लेसर हिमालयस कितने समुद्र तल से 350 से 1500 मीटर्स की दूरी पे हैं। इनको ट्रेसेस ऑफ शिवा भी कहा जाता है, शिवा की जटाएं, ठीक है। इसको हम मानक पर्वत भी कहते हैं, मानक पर्वत, ठीक है। इसमें कौन से एरियाज आते हैं, जैसे आपका शिमला, पछाड़, मंडी, ये बिलासपुर, ये सारे एरिया शिवालिक में आते हैं, ऊना। और एक चीज़ और बता दूं, इस जो शिवालिक हिल्स है ना, ये वाली, ये वैलीज बनाती हैं, और वैलीज को हम बोलते हैं डुन्स। यही ज़्यादातर इसमें पता होता है कि शिवालिक में जो है आपके, तो जितना भी मंडी एरिया, बिलासपुर एरिया, ये, पर ये याद रखना इंडिया में शिवालिक का स्ट्रेच कितना है, 900 से लेकर आपका 1100 किलोमीटर्स, कंफ्यूज मत होना। और हिमाचल में समुद्र तल से 350 से लेकर 1500 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर करना। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर एल्यूवियल सॉइल है, डूंस बनाते हैं, कौन से एरियाज, मंडी, ऊना, बिलासपुर, ये सारा आपका शिवालिक है। तो कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है, मानक पर्वत इसे कहते हैं, मानक पर्वत, जो कि आपका 350 से लेकर 1500 मीटर्स की दूरी पे है, ट्रेसेस ऑफ शिवा, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका शिवालिक ग्रुप है, लोअर हिल्स, ठीक है। उसके ऊपर आती हैं लेसर हिल्स, ये आपका लोअर हिल्स आ गई, जिसमें आपका मंडी पड़ता है, ठीक है। तो आपका ये, उसके बाद आता है लेसर हिल्स, लेसर हिमालयस, ठीक है। अब आते हैं निचली पहाड़ियाँ, जो कि आपकी 900, ये पूरा ये इंडिया का है, और अगर हिमाचल में देखना है 350 से 1500 मीटर्स, ठीक है। अब आता है आपका, ये देख लीजिए, यहाँ से आप देखिए, अगर मैं इस मैप से देखिए, ये हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत में आपका कराकोरम रेंज पड़ती है। देखिए हिंदुकुश जो कराकोरम रेंज है ना, कई बार बच्चे बड़े गए कि ये हिमालयस हैं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स, कॉम्प्लेक्स, हिंदुकुश भी आता है, कराकोरम, किसी ने बोला था लद्दाख, झांस्कर रीजन जो है ये लद्दाख से सेपरेट करता है, लाहौल स्पीति को भी करता है, तिब्बत, ये रीजन पड़ता है लद्दाख का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपकी शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज, ठीक है। अब आते हैं आपके लेसर हिमालयस, तो लेसर हिमालयस में दो रेंजेस पड़ती हैं, ये देखिए धौलाधार और पीर पंजाल, ये पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जम्मू एंड कश्मीर और आपके चंबा की पहाड़ियाँ पीर पंजाल, ठीक है। तो अगर देखा जाए जो लेसर हिमालयस है वो कितना कवर करता है, 1000 to 45, अगर ये इंडिया को कवर करे, लेकिन अगर हिमाचल से शुरू होना है तो ये 1500 से लेकर 4500 मीटर की दूरी पे होगा। डैनकुंड जो ढलौजी है ना, वहाँ से शुरू होकर बद्रीनाथ तक चलेगा, इसकी विड्थ 50 किलोमीटर है, ये धौलाधार है, ठीक है। तो इसकी जो पहाड़, लेसर हिमालयस की बात कर रहे हैं, तो ये जो धौलाधार रेंज है ये सबसे ज़्यादा किस एरिया में पाई जाती है, कांगड़ा में। आप कांगड़ा एंटर करो, आपको धौलाधार की सुंदर पहाड़ियाँ दिखना शुरू हो जाएंगी। इसमें जो है लेसर हिमालयस में पीर पंजाल और धौलाधार और महाभारता रेंजेस भी पड़ती हैं, जैसे शिमला, चकार्ता, मसूरी, दार्जिलिंग, ढलौजी, ये सारे जो हैं आपकी धौलाधार। और ये क्या है, ये जो धौलाधार पहाड़ी है ना, ये ग्रेनाइट पे बनी है और क्रिस्टलाइन रॉक है, वाइटिश ग्रेनाइट पे।
हिमाचल में शुरू होता है, दैनकुंड से बद्रीनाथ तक चलता है। दैनकुंड कहाँ है? डलहौजी में है। इसको मौलक पर्वत भी कहते हैं, मौलक पर्वत। ठीक है, तो ये जो है बद्रीनाथ स्टार्ट फ्रॉम, अगर आप उल्टा देखें तो बद्रीनाथ से डलहौजी, पर ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? दैनकुंड से होती है। ठीक है, ये जो आपका धौलाधार है इसको ब्यास लारजी में करती है। ठीक है, सतलुज से भी इंटरसेक्ट होता है ये, और रावी से भी इंटरसेप्ट होता है। तो तीन नदियों को काटता है ये धौलाधार रेंज। और पीर पंजाल रेंज जो है ये कहाँ पे है? ये आपकी पीर पंजाल है जो कि चंबा में है। ठीक है, पीर पंजाल में आपके रोहतांग पास, रोहतांग टनल जिसको मृतकों का ढेर बोलते हैं, 3746 मीटर्स इसकी हाइट है। तो ये रोहतांग टनल जो है ये किस रेंज पे पड़ती है? आपकी पीर पंजाल, दीज आर द पीर पंजाल। ये देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर, ये पीर पंजाल रेंज है जो कि आपकी चिनाब, रावी, चौड़ा, ये भागा, चंद्र और भागा। पीर पंजाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैंने बता दिया, पांगी एरिया जो है आपका पीर पंजाल कवर करता है, चिनाब क्योंकि वहाँ पे भी एंटर करती है, चंबा पार्ट जो है ये आपका पीर पंजाल है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, थोड़ा पार्ट जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि जम्मू के साथ बाउंड्री किसकी लगती है? चंबा की लगती है। तो ये पीर पंजाल यहाँ से कवर होता है आपके, ये जम्मू से चलता है और आपके चंबा तक फैलता है, बेसिकली ये चंबा का पार्ट है। तो ये ग्रुप ऑफ माउंटेन्स ऑफ इनर, देखिए इसको लेसर हिमालयस भी बोलते हैं और इसको इनर हिमालयस भी बोलते हैं। रोहतांग जो है इस रेंज पे है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चंबा तक, पांगी रेंज भी इस पे ही पड़ती है। ठीक है, इस पे जो है चंद्रा और भागा दो नदियाँ जो हैं इस पे ही आती हैं। रावी बड़ा बंगाल से निकलती है। ठीक है, ये साउथ वेस्ट से लेकर आपके साउथ ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक, यानी नॉर्थ वेस्ट तक चलता है। यहाँ से चलिए आप साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक चलेगा, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है, पूरा जम्मू एंड कश्मीर और चंबा को लेकर चल रहा है। यहाँ से देख लीजिए चंबा एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, गुलमर्ग की पहाड़ियाँ भी यहीं पे पड़ती हैं, ये श्रीनगर और गुलमर्ग। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो श्रीनगर पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका पीर पंजाल है। दिस इज़ द पीर पंजाल रेंज। किशन गंगा, झेलम, चिनाब, ये इसी रेंजेस को कवर करके आती है, चंद्रभागा। ठीक है, तो ये याद रखना। और सबसे ज़्यादा ये कवर किस एरिया में है? ये है आपका पीर पंजाल, वेस्टर्न हिमालयाज में पड़ता है। चंबा की जितनी भी पहाड़ियाँ ना, अगर आप चंबा के साइड से चलो तब भी आपको जो है इसी पार्ट पे मिलता है। ठीक है, ये जो है कुल्लू को लाहौल से अलग करती है और रोहतांग पास इसी पे पड़ता है। रोहतांग टनल है तो कुल्लू को इसी से अलग करेगी ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये हिंदी का पार्ट है आपका, एक सेकेंड, हिंदी का पार्ट है। तो आपका जो है आंतरिक हिमालयस, दक्षिण पूर्व से पश्चिम, पूरे राज्य से फिर उत्तर पश्चिम, चंबा जिला में फैली हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि पीर पंजाल से क्वेश्चन आता है कि चंबा किस रेंज पे पड़ता है, पीर पंजाल। धौलाधार की पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं? ये पड़ती हैं आपकी कांगड़ा जो है बेसिकली धौलाधार रेंज पे। शिवालिक किस एरिया को कवर करता है? शिमला को कवर करता है, मंडी को कवर करता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं शिवालिक का। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मानक पर्वत किसे कहते हैं, मौलिक पर्वत किसे कहते हैं। ठीक है, नाउ ग्रेटर हिमालयाज, अब आता है पार्ट, ये देखिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये देखिए पीर पंजाल, झांस्कर, लद्दाख रेंज, ये आपका पूरा हिमालयाज कवर कर रहा है। अभी मैंने झांस्कर नहीं बताया, यहाँ पे देखिए ये वेस्टर्न हिमालयाज है जिसमें आपके नदियाँ कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, इंडस, ये सारी आपकी ये पड़ती हैं। लद्दाख रेंज ये है जो कि झांस्कर को अलग कर रही है, झांस्कर लद्दाख रेंज को भी अलग करती है। झांस्कर जो है वो तिब्बत को अलग करता है हिमाचल से। तो सबसे पहली चीज़ है जो ग्रेटर हिमालयाज हैं भारत का, ग्रेटर हिमालय भारत में जो है ग्रेटर हिमालयाज, पहले हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में जो ग्रेटर हिमालयाज हैं दैट कवर्ड ग्रेटर माउंटेन्स, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वर्ल्ड की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और हाल ही में जो इसकी हाइट है वो मेज़र की गई है 8848.46 मीटर्स। अब 0.46 ये और उठा है तो माउंट एवरेस्ट K2 जो है जिसको आप कराकोरम बोलते हैं, ये आपका कराकोरम रेंज है, ये वाली जो पाक ऑक्युपाइड रीजन है, हिंदू कुश पर्वत पे है। तो ये हिमालयाज का बेसिक नहीं आता, दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड।
इंडिया की नहीं है, इंडिया की जो है ये आपकी पड़ती है कंचनजंगा, इसको सागर महल भी बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को। कंचनजंगा जो है दैट इज़ द हाईएस्ट पीक, जो कि कहाँ पे है आपकी सिक्किम में है, ठीक है, ये आपकी सिक्किम में पड़ती है। तो कंचनजंगा की हाइट ये आपका इंडिया में है, ये जो है ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, तो ये वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट है। तो आप देख लीजिए माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी जो है ये नेपाल में है, नंगा पर्वत भी इस साइड पड़ता है। कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया में कौन है कंचनजंगा। पासिस कौन से हैं, बारालाचा पास जो कि आपका चिनाब का उद्गम स्थान है, शिपकिला जहाँ से आपकी सतलुज एंटर करती है, नथुला पास, जोजिला पास, मोमडिला पास, ये सारे पासिस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये जो पासिस हैं, दर्रे जिससे आप शॉर्टकट वेज जिसको आप ये बोल सकते हो, गंगा और यमुना यहीं से अराइज होती हैं, हिमालय से ही अराइज होती हैं, ये तो बेसिक आपका इंडिया का पार्ट है, ठीक है। इसकी हाइट जो है हम लेते हैं 4500 से लेकर आपका 7500 से ऊपर की हाइट, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 7500 नहीं, अगर ये 8-8 है तो आप इसकी हाइट 8000 से ऊपर, लेकिन हिमाचल में 7500 तक की हाइट है। हाईएस्ट पीक आपकी 7206 किलोमीटर यानी आपका शिला, ठीक है। फिर एक रीज़न आता है ट्रांस हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंज में पड़ती है झांस्कर जो तिब्बत को अलग करती है, ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ती है, लद्दाख रीजन में पड़ती है। इंडस रिवर जो है वो झांस्कर और लद्दाख से, ये देखिए ये झांस्कर पार्ट है ना आपका, ये झांस्कर है, तो ग्रेट हिमालयन रीजन यहाँ से है, ये झांस्कर पार्ट यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि झांस्कर और लद्दाख से अलग करेगी, झांस्कर उससे अलग करती है, किन्नौर से तिब्बत को कौन करेगा, झांस्कर करेगा। और आपको एक चीज़, इसको शिंगोला पास भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है शिला इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नौर, हाईएस्ट पीक कौन सी है, शिला, जो कि आपकी 7026 किलोमीटर्स है। के टू जो है दैट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक तिब्बत कश्मीर, और हाईएस्ट पीक जो है आपकी किन्नौर, हिमाचल की कौन सी है, शिला। देखिए इसमें जो आपकी ऊंची चोटियां आती है ना, जैसे पीर पंजाल की ऊंची, पांगी रीजन, आपका किन्नौर रीजन, लाहौल स्पीति एरियाज, ये झांस्कर रेंज में पड़ेंगे। तो ये छोटा सा सेशन था आपका, हिंदी में यही है, आपको जो समझना है कि लेसर हिमालयस, पहली चीज़ आते हैं कि शिवालिक रेंज किस पे पड़ती है, तो वो पड़ती है आपकी आउटर हिमालयस लोअर हिल्स में, हाइट 350 to 1500। फिर आपका आता है इनर हिमालयस में कौन सा पड़ता है, धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार को मोलक पर्वत भी बोलते हैं, दैन कुंड से ढलौजी तक फैला हुआ है धौलाधार में। बेसिकली कांगड़ा किस पे, किसकी लैप पे है, धौलाधार, चंबा किसकी लैप पे है, पीर पंजाल, ग्रेटर हिमाद्रीज जो ग्रेटर हिमालयन रीजन में कौन सा आता है, वो आता है आपका हिमाद्री जो कि अपर एरियाज हैं, ट्रांस हिमालयन में किन्नौर रीजन जो आता है जिसको झांस्कर जो आता है वो ट्रांस हिमालयन रीजन है जो तिब्बत से अलग करती है, और हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी क्या है, शिला। आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगे, अगर सेशन अच्छा लगा है तो शेयर इट, मैप्स के थ्रू करवाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो पूछ लेना। एक क्वेश्चन था, किसी को डाउट है प्लीज़ उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि जो ध्यानचंद ने कंफ्यूजन क्या हुई थी, आई डोंट नो, पर मैं उसको बता देती हूँ कि जो सिब्बा स्टेट थी, सिब्बा को डाडा सिब्बा भी कहते हैं, रंजीत सिंह का एक मिनिस्टर था ध्यान सिंह, उसकी बेटियों की उसके बेटों की शादी जो थी वो सिब्बा की राजकुमारियों के साथ हुई थी, जिसकी वजह से रंजीत सिंह ने गोविंद सिंह को जो है रियासत वापस कर दी थी, किसके कहने पे, ध्यान सिंह के कहने पे। ये चीज़ थी कि ध्यान सिंह के कहने पे रंजीत सिंह ने जो है गोविंद सिंह को रियासत वापस कर दी थी। क्यों वापस की थी, क्योंकि ध्यान सिंह की जो बेटों की शादी थी वो सिब्बा की दो राजकुमारियों के साथ हुई थी। तो ये चीज़ कंफ्यूज करने की नहीं है, पहली बात ये बहुत क्लियर है। अगर फिर भी डाउट है प्रिया ठाकुर जी, तो आप पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है वो मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकता है, और या टेलीग्राम ग्रुप में मेल कर सकता है, टेलीग्राम पे कर सकता है मैसेज, फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकता है, मैं उसके डाउट्स वहाँ क्लियर कर दूंगी। पर प्लीज़ ये डाउट्स तभी मज़ा आता है जब हम आपके इंटरैक्टिव वे से करेंगे। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ऑन फेसबुक पेज,
फॉलो मी एज अ पूजा गुप्ता ऑन यूट्यूब, इट्स पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल, लेट्स लर्न विद मी. आई होप यू लाइक द सेशंस. थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी. आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक करना ही मेरी मोटिवेशन है. तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि आप जितना शेयर करोगे, जितना रिकमेंड करोगे चैनल को, उतनी जल्दी हम लाइव आएंगे. सिर्फ लाइव आने में मैंने बोला है कुछ टाइम की दूरी है. ये दूरी तभी क्लियर होगी जब आप सब्सक्राइब और वीडियोस को देखेंगे. जितना वीडियोस को देखोगे उतने हिसाब से जो है आपके साथ, मैंने अभी तक कोई गुड न्यूज़ शेयर नहीं की है, पर वो गुड न्यूज़ भी मैं आपके साथ तभी शेयर करूँगी जिस दिन मैं आपके साथ लाइव आऊँगी. तब तक मैं आपके साथ ये, अब आपने देखना है कि मैम आपके साथ शेयरिंग का तभी मज़ा आएगा जब मैं आपके सामने लाइव होंगी, तभी जाकर आपके क्वेश्चंस, आपकी फरमाइश सुन सकूंगी. तो मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ. उस दिन का इंतज़ार आप पूरा करोगे तो आप कितनी जल्दी पूरा करते हो ये आप पे डिपेंड करता है. तो बस गुड न्यूज़ तो हैं, कई चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, बट तभी करूँगी जब लाइव सेशंस में आएंगे, तभी शेयर करेंगे. तो प्लीज़ गाइस शेयर इट, रिकमेंड इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कुछ नहीं कहूँगी. ठीक है.